दिस इज पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर 7. लेट्स बी स्टार्ट. वॉट अबाउट ए सॉन्ग चैप्स? मित्रों, क्यों ना एक गीत हो जाए. इज नॉट ग्रीटेड पोलाइटली एट द एंड ऑफ 30 miles. जैसा प्रश्न 30 मील की घुमाई के बाद स्वागत योग्य नहीं माना जा सकता. हिज सैल्यूट एट द पे टेबल वॉज ए मॉडल टू बिहोल्ड. When officer were in sight, he would swing his skinny arms and march to the canteen like a guardsman. वेतन दिए जाने वाली मेज के पास में उसका सलाम सभी के लिए देखने को एक नमूना होता था. मतलब जहाँ पे टेबल होती थी वहाँ पे जाके वो सलाम ठोकता था और सभी उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते थे. जब अधिकारी लोग दिखाई देते तो अपनी चमड़ी लटकी हुई भुजाओं को झुलाता, जो उसकी स्किनी आर्म्स होती थी उसको वो झुलाता था तथा कैंटीन की ओर गार्ड्स रेजिमेंट के सिपाही की भांति चला जाता. कैंटीन की तरफ एक गार्ड्समैन के जैसे वो चला जाता था दौड़ के. एंड डे इन एंड डे आउट ही लेक्चर टू अस इन हिज ड्रॉइंग. और जब भी मौका मिलता वह मानव ज्ञान के हर पहलू पर हमें भिन भिनाती हुई वह पछतावाहीन आवाज़ में भाषण दे देता था. रिमोर सीरीज वॉइस इसको बोलते हैं, पछतावाहीन वॉइस में. ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, जैसे मानव का ज्ञान होता है उस तरीके से. एट फर्स्ट वी हैड ए सर्टेन रेस्पेक्ट फॉर हिम बट सून वी लिव्ड इन टेरर ऑफ हिज अप्रोच. पहले तो हमें क्या लगता था, शुरू में तो हम उसके प्रति कुछ रेस्पेक्ट रखते थे, रेस्पेक्ट का भाव रखते थे, लेकिन शीघ्र ही हम उसके आगमन के भय में जीने लगे थे. मतलब हम उससे थोड़ा बहुत टेरर फील करने लग गए थे. वी ट्राइड टू हिट बैक एट हिम विथ क्लम्सी सरकेम्स एंड प्रैक्टिकल जॉक्स. हम भद्दे व्यंग्य द्वारा तथा शरारतों द्वारा उससे बदला लेने की कोशिश करते थे. द प्रोफेसर स्केर्सली नोटिस्ड, ही वॉज टू बिजी वर्किंग फॉर हिज स्ट्रिप. लेकिन जो प्रोफेसर था वो इन पर ध्यान नहीं देता था और अपनी वर्दी पर लगने वाले फीतों के लिए काम करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता था. ईच टाइम वन ऑफ अस मेड ए मिस्टेक द प्रोफेसर वुड पब्लिसली करेक्ट हिम. जब भी हम लोगों में से कोई गलती करता तो प्रोफेसर उसे सबके सामने, जो पब्लिसिटी होती है पब्लिक के सामने, दिखा करके सही करता था. वेन एवर वन ऑफ अस शॉन द प्रोफेसर आउटशॉन हिम. और जब कोई उससे आगे बढ़ जाता था प्रोफेसर थे तो प्रोफेसर भी उससे आगे निकल जाता था. वेन आफ्टर ए हार्ड मॉर्निंग्स वर क्लीनिंग आउट और हर्ट वी लिसेंट इन साइलेंस टू द ऑर्डिनरी ऑफिसर्स पैराइज द प्रोफेसर वुड ब्रेक आउट. अब क्या होता था कि सुबह हमारी झोपड़ी की सफाई के काम के बाद में कठिन परिश्रम होता था, उसके बाद में जब हम दिन के अधिकारी से प्रशंसा सुनते तो प्रोफेसर जो था वो बड़ी कर्तव्य प्राणता के साथ प्रसन्नता से चिल्ला पड़ता. क्या बोलता था वो देखिएगा. थैंक यू सर. एंड हाउ सुपीरियर, हाउ कंडेंसिंग ही वॉज. इट वॉज ऑलवेज लेट मी शो यू ओल्ड फेलो और नो यू विल रिन योर राइफल दैट वी ओल्ड मैन. वो धन्यवाद करता था और प्रोफेसर अपने को कितना अधिक श्रेष्ठ दिखाता था. श्रेष्ठ सुपीरियर का मीन्स होता है श्रेष्ठ दिखाना. और कितनी अधिक अपनी शेकी मारता था. वह हमेशा बोलता, मैं तुम्हें दिखता हूँ भले आदमी अथवा नहीं, इस तरह तो तुम अपनी राइफल को बर्बाद कर दोगे भले आदमी, वो दूसरों को बोलता था. वी यूज टू प्राइड अवर सेल्फ ऑन एयरक्राफ्ट रिकॉग्नाइजेशन. हमें हवाई जहाज की पहचान पर स्वयं को अभिमान हुआ करता था. मतलब हम जो लोग हैं एयरक्राफ्ट को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेते थे तो हमें उस पर गर्व था. वंस आउट फॉर ए वॉक वी हियर द ड्रोन ऑफ ए प्लेन फ्लाइंग हाई ओवर हेड. एक बार भ्रमण पर हमने ऊंचे उड़ते हुए हवाई जहाज की भनभनाहट सुनी. ड्रोन का मतलब होता है भनभनाहट या आवाज़. नन ऑफ अस कुड इवन सी इट इन द ग्लेयर ऑफ द सन. हमें से कोई भी सूर्य की जो चकाचौंध में से देख नहीं पाया. सूर्य बहुत ज़्यादा तेज था तो इस कारण से हम उसे देख नहीं पाए थे. विदाउट इवन ए ग्लांस अपवर्ड द प्रोफेसर अनाउंस्ड. अब बिना ऊपर नजर डाले प्रोफेसर ने घोषणा कर दी थी. दैट ऑफ कोर्स इज ए नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर. की ये नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर है. इट कैन बी अनमिस्टेकेबली आइडेंटिफाइड बाय द हार्श इंजन नोट ड्यू टू द हाई टिप स्पीड ऑफ द एयर स्क्रू. वो क्या बोलता था, इसे बिना किसी गलती के इंजन के शोर से पहचाना जा सकता था, जो प्रोफेसर की ऊंची ट्रिप गति के कारण, पॉपुलर की ऊंची ट्रिप गति के कारण होता था. वट कुड ए गैंग ऑफ लॉटस लाइक अस टू डू विद ए मैन लाइक दैट. हमारे जैसे मवाली लोगों का समूह ऐसे व्यक्ति का क्या कर सकता था. नॉन ऑफ अस विल एवर फॉरगेट द ड्रॉजी
समर आफ्टरनून विच वॉज सच ए टर्निंग पॉइंट इन द प्रोफेसर्स लाइफ। हमें से कोई भी उस निंद्रामयी गर्मी की दोपहर को नहीं भूल सकता जो प्रोफेसर की ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट लेकर आ गया था। वी वर स्प्रेलिंग कंटेंटली ऑन द वॉर्म ग्लास वाइल कॉपरवेल टर्नबेल वॉज टेकिंग ए लेसन ऑन द हैंड ग्रेनेड। हम संतुष्टि के साथ गर्म घास पर हाथ पैसार कर बैठे हुए थे जब कॉर्पोरल टर्नबुल हमें हैंड ग्रेनेड पर पाठ सिखा रहे थे। कॉपरवेल टर्नबुल वॉज ए यंग मैन। कॉपरवेल टर्नबुल एक युवक थे। बट ही वॉज नॉट ए मैन टू बी ट्राइफल्ड विथ। ही हैड कम बैक फ्रॉम डनक्रिक विथ ऑल हिज इक्विपमेंट करेक्ट एंड अकाउंटेड फॉर एंड हिज पैट किटन इन हिज पॉकेट। जो अब इसका कैरेक्टर बताया गया है इसमें कॉपरवेल टर्नबुल का कि वो कैसे रहते थे। वे अपने सभी सही औजार सामान के साथ डर्निकिक से लौटे थे। एक जगह डर्निकिक वहाँ से लौटे थे और उनका पालतू बिल्ली का बच्चा उनकी जेब में था, उनके पॉकेट में वो रखते थे। ही वॉज आवर हीरो एंड वी यूज टू टेल ईच अदर दैट ही वॉज सो टफ दैट यू कुड हैमर नेल्स इन टू हिम विदाउट हिज नोटिसिंग इट। वे हमारे नायक थे, हीरो थे वो, और हम एक दूसरे को कहा करते थे कि वे इतने कठोर हष्टपुष्ट थे कि आप बिना ध्यान दिए उनमें उनकी मजबूत जो बॉडी है उसमें कीले ठोक सकते थे, हैमर से हैमर की तरह यूज में ले सकते थे। द आउटसाइड ऑफ ए ग्रेनेड एज यू कैन सी कॉर्पोरल टर्नबुल वॉज सेइंग। हथगोले का बाहरी आवरण जैसा कि आप देख सकते हैं कॉर्पोरल टर्नबुल बोल रहे थे। इज डिवाइडेड अप इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स टू एजिस्ट सेगमेंटेशन। बहुत सारे हिस्सों में बटा होता था, बहुत सारी जो सेगमेंटेशन थी इसकी उसमें बटा हुआ था ये, ताकि वे आसानी से अलग अलग हिस्सों में बांट सकें। 44, अब उन्होंने क्या बोला, 44, यह क्या है, वॉट इज दैट। कॉर्पोरल लुकड ओवर हिज शोल्डर। कॉर्पोरल ने अपने कंधों के ऊपर से देखा। 44 हिस्से, 44 सेगमेंट्स। द प्रोफेसर बीम्ड एट हिम। प्रोफेसर उसकी ओर मुस्कुराया। बीम्ड यानी होता है स्माइल देना। द कॉर्पोरल सैड नथिंग बट हिज ब्रो टाइटनेड। ही ओपन्ड हिज माउथ टू रिज्यूम। कॉर्पोरल कुछ नहीं बोला लेकिन उसकी बौहें जो एब्रो थी वो एकदम गुस्सा जैसे शो करता है ना उस टाइप से हो गई थी और उसने पुनः अपनी बात शुरू करने के लिए मुंह खोला। एंड बाय द वे कॉर्पोरल वी वर ऑल थंडरस्ट्रक। और जरा ये बताओ कॉर्पोरल, हम सब सकते में आ गए क्योंकि प्रोफेसर ने उसको नाम से बोला था। द प्रोफेसर वॉज स्पीकिंग अगेन। स्टूडेंट यू हैव स्टार्टेड ऑफ विथ द फाइव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रेनेड। आर इंस्ट्रक्टर एट द अदर कैंप ऑलवेज यूज टू यू नो। उसने क्या बोला, प्रोफेसर फिर से बोल रहा था कि आपको भाषण की शुरुआत ग्रेनेड के पांच गुणों से नहीं करनी चाहिए थी। हमारे जो प्रशिक्षक जो दूसरे कैंप में थे हमेशा ऐसा करते थे, आप ये जान लें। वो उसको भी अपनी जो नॉलेज था उसके अकॉर्डिंग उसको बता रहा था कॉर्पोरल को, कॉर्पोरल को जो कि वहाँ पे न्यू आया था। द साइलेंस दैट फॉलोड। और वहाँ पे जो साइलेंस है एकदम हो गई थी, शांति हो गई थी। वी वर यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अब उस टाइम पे जब उसने ये बात बोली थी तो सबके सब साइलेंट हो गए थे। ए डार्क फ्लश स्टैंड द टैन ऑफ द कॉर्पोरल फेस हेयर। ही सैड एट लास्ट यू गिव दिस लेक्चर। अब देखो